बच्चों तो संख्या के हमने क्या क्या पढ़ल जाई, आज पढ़ल जाई परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या आ पूर्ववर्ती संख्या है ना, सुसेसर आ प्रेडेसर। तो आज पढ़ल जाओगे, पहला क्वेश्चन मानता कर है ना, परवर्ती परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या या एक दूसरा का नाम क्या है, परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती है ना, परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं, क्या किसे कहते हैं है ना, परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं। अंग्रेजी में कहा जी व्हाट इज कॉल सुसेसर नंबर, व्हाट इज कॉल सुसेसर नंबर है ना। आंसर कह दीजिए, किसी संख्या क्या लिखा जाए, किसी संख्या कोई भी संख्या में है ना, किसी संख्या में एक जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, एक किसी संख्या में, किसी संख्या में एक जोड़ने पर, बुझाते कि नहीं का, एक किसी संख्या में एक जोड़ने पर, जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है उसे उसे परवर्ती, कौची परवर्ती या उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं, उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे जैसे में हमारे लिए ढेर चीज है ना, जैसे कौन संख्या होके है ना, जैसे दो अंक बड़ी संख्या, दो अंकों के सबसे बड़ी संख्या में यह पूछना कभी कभी कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती क्या होगा, तो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब पूछ दी कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या के परवर्ती क्या होगा, क्या हुई, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती क्या हुई, तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। अच्छा कौचू पूछ सकेला है ना, क्या हो जाए, तीन अंकों की, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती या उत्तरवर्ती क्या होगा, तो चार अंकों की छोटी संख्या, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगा है ना। कहे का मतलब कि कौन हम की एक अंक बड़ी संख्या ले चाहे छोटी संख्या ले, कौनो अंक हमारे के ले सकल जा, पांच में एक ले सकल जा, पूछ देला कि पांच के परवर्ती क्या हुई, तो पांच के परवर्ती छ हुई, सात के परवर्ती क्या हुई, तो आठ हुई, एक जोड़ देवे बा, एक जोड़ देवे बा, परवर्ती में एक जोड़ देवे बा है ना, परवर्ती में एक जोड़ देवे के बा। तो अब अपने के पढ़ जाए परवर्ती, अब एक और चीज विशेष पढ़ल जाये जो अभी केहू ना उतर नहीं बताते जा रहा हूं, पढ़ल जाये सम संख्या का परवर्ती का होला, सम संख्या का परवर्ती क्या होगा, आप लोग सोचिए सम संख्या का परवर्ती क्या होगा, तो कोई भी सम संख्या लेंगे, कोई भी दूसरी चलते हैं, तो दो में अगर एक जोड़ते हैं क्या होगा, विषम, क्या रहा, तीन, अगर चार ले रहे हैं कितना आएगा, पांच, अगर छ ले रहे हैं कितना रहा, सात, अगर आठ ले रहे हैं यानी अभाज और विषम है ना, यानी विषम संख्या रहा है, अभाज भी आ जाता है विषम में, अभाज संख्या भी आ रहा है, विषम संख्या भी आ रहा है, अभाज तीन पांच सात अभाज संख्या है, नौ विषम संख्या है, कोई और ले लीजिए है ना। सम संख्या में देखिए आ गया सत्ताईस, सत्ताईस विषम संख्या है ना, तो कहने का मतलब कि सम संख्या का परवर्ती क्या होगा, तो विषम संख्या होगा, ये जीवन होगा, सम संख्या का परवर्ती क्या होगा, तो विषम संख्या होगा। अच्छा और देख लीजिए, मतलब किसी भी सम संख्या में एक जोड़िएगा तो वो क्या बनेगा, विषम बंद में करेगा। इसके बाद आते हैं
विषम क्या कहते हैं, विषम संख्या का परवर्ती, विषम संख्या का परवर्ती है ना, विषम संख्या का परवर्ती। तो विषम संख्या कोई ले लीजिए, चलिए लेते हैं, क्या ले, एक लेते हैं, चलिए एक लेते हैं, लेकिन एक हाँ विषम संख्या है ना, एक सम मैंने संयुक्त संख्या नहीं है, आभास संख्या नहीं है, लेकिन विषम संख्या है। तो एक में जोड़ क्या हो जाएगा सम, इसके बाद तीन में जोड़ क्या होगा चार। अब इसी तरह ले जाओ विषम संख्या, क्या ले ले, नौ लेते हैं, कितना रहा दस, और ले विषम संख्या क्या ले लीजिए पंद्रह ले लीजिए, कितना रहा सोलह, और ले लीजिए क्या ले सत्ताईस। कहने का मतलब क्या स्पष्ट हो रहा है कि सम का विषम आ रहा है और विषम का परवर्ती सम आ रहा है ना। अब आभास को ले लीजिए, मतलब ये सम हो गया ये विषम हो गया, अच्छा समझ लीजिए, सम का परवर्ती से क्या होगा तो विषम संख्या होगा, विषम का परवर्ती क्या होगा तो सम संख्या होगा। अब चलते हैं आभास में, आभास का परवर्ती क्या होगा, अब ले लीजिए आभास संख्या परवर्ती क्या होगा, आभास संख्या का परवर्ती, परवर्ती कहिए या चाहे उत्तरवर्ती कहिए, आभास संख्या लीजिए, आभास क्या है दुभी आभासी संख्या है लेकिन सम है। तीन लेते हैं, तीन का होगा समय आएगा, हमको कहा लगता है समय आएगा। पांच लीजिए, क्या नजर आ रहा है, खोज का विषय है, खोजते रहिए। सात आठ समय आएगा, फिर ले लीजिए क्या, नौ दस ग्यारह लीजिए है ना, आ रहा सब समय, यानी आभास संख्या के परवर्ती क्या आएगा समय आएगा। तो इतना याद गया परवर्ती हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ववर्ती, क्या पढ़ेंगे पूर्ववर्ती है ना, क्या पढ़ेंगे पूर्ववर्ती। आप देखो जा के तो सबसे बड़ी संख्या पढ़ बन जा, अब छोटी संख्या बन जा है ना, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या का परवर्ती क्या हो जाएगा है ग्यारह, अच्छा तीन अंकों की, तीन अंकों की सबसे है ना, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या परवर्ती क्या हो जाएगा 101। इसी तरह लेंगे चार अंकों की, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या परवर्ती क्या हो जाएगा 1001 हो जाएगा ना, अच्छा इस तरह आप ले सकते हैं पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या का परवर्ती क्या हो जाएगा है ना, कितना हो जाएगा एक दो तीन चार पांच अंक है ना, तो कितना हो गया ये 10001, 10001 हो जाएगा, ये 1001 हुआ, 101 हुआ। तो ये इस तरह हम लोग आगे भी बना सकते हैं, हमने अपना से बना सकते हैं। तो ये छोटी सबसे छोटी संख्या का है, बड़ी संख्या का प्रतिबंध किए हैं कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या परवर्ती क्या हो जाएगा, तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा है ना। तो परवर्ती का ये आज मैंने इतना ही ध्यान दीजिए, अच्छा जय हिंद जय भारत।